हेलो स्टूडेंट्स, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव किंगडम स्कीम किसने दी थी, टू किंगडम स्कीम किसने दी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे। इसके अलावा आर एच व्हिटेकर ने जो फाइव किंगडम स्कीम दी थी उसके अकॉर्डिंग पांच किंगडम या जगत कौन कौन से थे और उनको किस आधार पर आर एच व्हिटेकर ने वर्गीकृत किया, ये सब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल टाइप कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल इनके अंदर प्रेजेंट रहेगी। प्रोकैरियोटिक, जब भी अपन ने वर्गीकरण का आधार पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताए थे कि सेल टाइप दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होंगी उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होगी उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनके राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। इस 70S टाइप के राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है वो 50S होती है और इसकी स्मॉल सब यूनिट 30S कहलाती है। अब आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोइड क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल, या फिर जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा उसको अपन क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर राइबोसोम है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है 70S प्रकार का। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो राइबोसोम होगा वो होता है 80S प्रकार का, और इसकी लार्ज सब यूनिट 60S होती है और स्मॉल सब यूनिट इसकी 40S होती है। इसी तरीके से 70S की लार्ज सब यूनिट 50S होती है और स्मॉल सब यूनिट इसकी 30S होती है। नेक्स्ट जो किंगडम मोनेरा का कैरेक्टर है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो होते हैं तीन टाइप के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, पैरासिटिक। ऑटोट्रॉफिक या स्वयंपोषी जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक या विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। एक होता है इसके अंदर पैरासाइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या फिर उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं वो होंगे पैरासाइट। जैसे एक तो हो सकता है एक्टोपैरासाइट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या अपने होस्ट के बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, और दूसरा हो सकता है एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इसके अंदर होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है इसके अंदर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिन भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है वो एनर्जी सोर्स के रूप में किसका यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके अंदर CO2 और H2O मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं।
अब इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से ली जाएगी? इस आधार पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार का हो सकता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर एनर्जी सोर्स है वो हो जाएगा सनलाइट के द्वारा, और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके अंदर एनर्जी सोर्स है वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे कि सल्फर, अमोनिया, नाइट्राइट एक्सेट्रा। ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल है इनके ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज कहाँ किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिला के कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। इसी तरीके से जो फोटोसिंथेटिक है, फोटो यानी कि यहाँ पे लाइट सोर्स क्या हो गया? सनलाइट। तो यहाँ सनलाइट से जो एनर्जी मिली उसका यूज किस में कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए। साथ में यहाँ पे क्या लिबरेट होता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिबरेट होते हैं। तो एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज में ले रहा है उसके आधार पर दो प्रकार के हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर है सेल वॉल। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी सेल वॉल किससे मिली हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है? पेप्टिडो ग्लाइकेन से, या फिर इसको म्यूरिन भी कह सकते हैं। पेप्टिडो ग्लाइकेन है, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड और साथ में प्रोटीन। मेनली जो पॉलीसेकेराइड इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं वो हैं नाम और नाग। इनकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नाग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। प्लांट सेल वॉल है वो मेनली मिलकर बनी हुई है सेलुलोज से, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन से मिलकर। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो भी किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? पेप्टिडो लाइकेन से, जबकि प्लांट सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से मिलकर बनी हुई है। कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर है फ्लैजिला। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो सॉलिड होते हैं, साथ में इनके अंदर जो फ्लैजिला होंगे उनके अंदर 9+2 पोजीशन का अरेंजमेंट अब्सेंट रहता है। अब 9+2 अरेंजमेंट होता क्या है? मान लो ये किसी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है। अब इसके सेंटर में दो फाइबर प्रेजेंट रहते हैं और इसकी पेरिफ्री पर 9 फाइबर प्रेजेंट रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट और नाइन। सेंटर वाले वो जो फाइबर हैं वो हो गए सेंट्रल फाइबर्स। या माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हो गए पेरिफेरल फाइबर्स जिनको कवर करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं ये दो सब यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, एक तो ए और एक बी, ए सब यूनिट और दूसरी बी सब यूनिट। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है फ्लेजिला की। वो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर अब्सेंट रहती है। अब यहाँ पे 9+2 का मतलब क्या हुआ, 9 फाइबर हैं वो इसकी पेरिफेरी के तरफ प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और दो जो फाइबर हैं वो इसके सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, 1 और 2। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है 9+2 का अरेंजमेंट, जो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट रहेंगे उनके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट किंगडम मोनेरा में जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन, कि किंगडम मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन, तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मेनली या अधिकांशतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहेगा। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर भी बाइनरी फीजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियां हो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन भी होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस देखने को मिलती हैं, जिसको ट्रूली अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। इसके अंदर ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस भी देखने को मिलेंगी। ट्रांसडक्शन क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया है उसके ऊपर कोई भी वायरस का इन्फेक्शन हो, मान लो किसी बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हो गया और वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करे बैक्टीरिया को दे दे। मान लो कि ये कोई भी बैक्टीरिया है इसके ऊपर वायरस या बैक्टीरियोफेज आया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया को दिया। अब इसका जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो गया। एक प्रोसेस तो ये हो सकती है। अब ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में आगे क्या हो सकता है, या तो ये इससे अटैच होकर ही रहे या फिर बहुत सारे और बैक्टीरियोफेज बना ले। दूसरी कंडीशन सेम का सेम ये ऐसा ही रह जाए। दूसरा इसके अंदर टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मान लो कोई भी नेक डीएनए प्रेजेंट रहेगा
ये किसके अंदर एंटर कर जाता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उससे अटैच हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन की। थर्ड इसके अंदर है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के अंदर दो बैक्टीरिया होंगे जिनमें से एक होगा डोनर और दूसरा होगा रेसिपिएंट। डोनर और रेसिपिएंट आपस में क्या करते हैं? कांटेक्ट करते हैं किसके थ्रू? सेक्स पिल्लाई के थ्रू। कांटेक्ट करने के बाद में दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, और डोनर वाला अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो पार्ट होता है वो किस में ट्रांसफर कर देगा? रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट करते हैं और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो मेनली इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट रहता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। ये सब किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।